होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक शैम्पू का रिव्यू, और जिस शैम्पू के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है नाइल शैम्पू, नाइल नेचुरल्स शैम्पू। जब शैम्पू की बात आती है ना तो मैं बहुत कंसर्न हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे शैम्पूज यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत चूज़ी होती हूँ उसमें। तो मैं करेंटली यूज़ कर रही हूँ आयुष का। एक मेरी प्यारी सी व्यूअर ने मुझसे कहा कि आप इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाएं, इसको यूज़ करें, इसका रिव्यू करें। तो मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको 3 बार यूज़ किया है, आई हैव डन 3 washes ओवर दिस। तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि इसका रिव्यू बना देते, क्योंकि उन्होंने कहा रिव्यू के लिए, दैट्स व्हाई आई ट्राइड इट। और आज मैं इसी का पूरा डिटेल बनाने वाली हूँ वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शैम्पू की बात आती है तो आई गेट रियली वेरी चूजी वाइल चूजिंग माय शैम्पू, क्योंकि मुझे हर कोई शैम्पू सूट नहीं करता है। मेरे बाल काफ़ी ड्राई अजीब से हो जाते हैं, बट अभी मेरे बाल काफ़ी शाइनी और अच्छे बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग आयुष शैम्पू, और अभी मैं लास्ट 3 wash से ये यूज़ कर रही हूँ। चलिए गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं नाइल नेचुरल्स डिटेल्ड रिव्यू, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है नाइल शैम्पू। इसमें टोटल 3 साइज आते हैं। मैंने जो लिया है वो छोटा वाला, लाइक मिडिल साइज लिया है। इससे छोटा भी आता है और इससे बड़ा भी आता है, लेकिन मैंने बड़े वाले डैडी को नहीं लिया क्योंकि मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ये छोटे वाले बेबी को लिया है। नॉट वेरी छोटा बट मिड वाला, यानी मम्मी को लिया है मैंने। गाइस, ये जो शैम्पू है ये क्लेम करता है कि ये आपको बाउंसी और अच्छे शाइनी हेयर देगा। तो ये जो क्लेम करता है ये एक्चुअल में ट्रू है, ये आपको अच्छे बाउंसी और अच्छा वॉल्यूम देता है आपके बालों में। वो दिखा देती हूँ, पैकेजिंग कुछ ऐसी आती है इसकी, और ये है 95 rupees का। इसका छोटा वाला का रेट मुझे अच्छे से नहीं पता, बट ये जो है ये 95 rupees का है, और आपको 95 rupees में मिलता है 180 ml। इसमें एक्सपायरी और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, सो यू नीड नॉट टू बी वरिड अबाउट दिस थिंग कि ये एक्सपायरी और क्या है। इसका एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट आराम से आपको मिल जाएगा। इसकी अवेलेबिलिटी आपको हर एक जगह मिल जाएगी, नॉर्मल किराना स्टोर से लेके लाइक सुपर बाजार्स, या फिर आपको केमिस्ट के शॉप में भी ये आराम से मिल जाएगा। तो अवेलेबिलिटी वाइज इट्स वेरी इजी, आप इसको ऑनलाइन कोई भी दुकान में जाके आराम से इसको ले सकते हो। तो ये चीज बहुत अच्छी है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फटाफट इसके सारी अच्छाई आपको बता देती हूँ। ये आपके बालों को बहुत अच्छा बाउंस देते हैं, एक बहुत ही अच्छी शाइन क्रिएट करते हैं। उसके अलावा दिस इज क्रुएल्टी फ्री और पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी एसिड नो पैराबिन या फिर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इट्स वेरी मच नेचुरल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपको बहुत आसानी से मिल जाता है एंड सस्ता भी है, आपके बजट में आराम से आ जाएगा, क्योंकि ये आप थोड़ा सा भी यूज़ करते हो ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक आपके बाल अगर मेरे लेंथ के हैं तो आपको लाइक 1 spoon भी काफ़ी हो जाएगा, 1 to 2 spoon भी काफ़ी है। ये बहुत अच्छे से लैदर करता है, और एक बार जब आप अपने बाल वॉश कर लोगे ना तो ये बहुत ही क्लीन और फ्रेश फीलिंग देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि ये क्लेम करता है कि आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, और अगर आपके डैमेज्ड वाले बाल हैं ना तो वो उसको भी अच्छा कर देगा। बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है आंवला, लैवेंडर, रीठा और ब्लैकबेरी। तो ये चारों चीज़ें इसमें हैं। आंवला वैसे भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो और लैवेंडर हेयर ग्रोथ करने में मदद करता है, और इसमें है रीठा जो कि अगेन आपके बालों को अच्छा क्लीन और यू नो दैट फ्रेश फीलिंग देता है। पुराने ज़माने में रीठा से बाल धोती थी हमारी दादी नानी लोग, तो उनके बाल काफ़ी अच्छे फ्रेश और अच्छे दिखते थे, लाइक एकदम क्लीन दिखते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें है ब्लैकबेरी जो कि आपके डैमेज्ड बालों को रिपेयर करता है और जो फर्दर डैमेज है वो होने से बचाता है। तो ऑल इन ऑल मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छा शैम्पू है, मैं इसको फुल मार्क्स दूंगी, लाइक 5 out of 5 मैं इसको दूंगी, क्योंकि ये बजट में भी अच्छा है और क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, मतलब सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने इसके और भी वेरियंट्स नहीं ट्राई किए, मैंने सिर्फ इसका ये वाला ब्लैक वाला ट्राई किया है जो कि क्लेम करता है लॉन्ग एंड फुलर हेयर। एक्चुअल में ये आपको बहुत अच्छा बाउंस देगा, जो कि मेरे बालों में बाउंस आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है ये, और वॉल्यूम भी बहुत ही प्यारा लगता है, लाइक अच्छे घने बाल दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड विच आई रियली लाइक, यू कैन सी द शाइन ऑल्सो, ये बहुत अच्छी शाइन भी देता है, ये देखिए, लुक एट द शाइन।
तो ये चीज है ये शैम्पू की। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैं तो कहूंगी आराम से जाके आप इसको लेके आइए। पैकेजिंग वाइज मैं आपको बता दूं, ये काफी स्टर्डी है, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, और यहाँ पे आपको ये इस तरीके से कैप मिलता है जहां से आप अपना शैम्पू निकाल सकते हो। एंड पैकेजिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। फ्रेगनेंस वाइज इसकी काफी फ्रूटी टाइप फ्रेगनेंस है, लाइक नॉर्मल शैम्पू जैसे आपको सनसिल्क हो गया या हेड एंड शोल्डर हो गया, ऐसे जो शैम्पूज है ना जो नॉर्मल मार्केट में मिलते हैं, चीक शैम्पू, बिल्कुल उसकी तरह इसकी फ्रेगनेंस है। कुछ बहुत स्पेशल नहीं है फ्रेगनेंस वाइज, नॉर्मल माइल्ड फ्रेगनेंस विच इज गुड, जो आपको बेयरेबल होगी। लाइक बचपन से हम ऐसे शैम्पू वैसे भी यूज करते आ रहे थे, वो चीज़ है। और उसके अलावा आई रियली लाइक द शैम्पू। इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए नहीं कहा जाता तो शायद मैं इसको ट्राई नहीं करती, बट थैंक यू सो मच कि मुझे ये कहा गया इसका वीडियो बनाने के लिए। एंड फाइनली आई ट्राइड इट आउट, मुझे अब आयुष के बाद ये शैम्पू अच्छा लगने लगा है। अगर आप आयुष का भी वीडियो देखना चाहते हो, लाइक आयुष थिक एंड लॉन्ग शिकाकाई शैम्पू का, तो वो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। इवन दैट शैम्पू इज टू गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लाइक दिस वन एज वेल। तरफ से तो पिक ये है, एक बार तो इसको ट्राई करना बनता है। आई होप गाइस आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। बहुत कुछ इसके बारे में बोलने के लिए नहीं था क्योंकि अच्छा शैम्पू है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो, नॉर्मल है। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई वुड लव टू डू इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज डू इट। सब्सक्राइब करने के बाद डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट, यू नो दैट बेल आइकन, सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। दैट इज एक्चुअली अ मैंडेटरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा वीडियो कब आके कब चला गया। सो प्लीज डू दैट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू Like it and share with your friends. And मैं मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। Till then, take care. Love you all. Bye. Good luck.